दोस्तों, अगर आप भी शुभमन गिल को दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, नीदरलैंड की धजिया उड़ाने के लिए बेकरार शुभमन गिल के साथ उनकी गर्लफ्रेंड सारा तेंदुलकर पूरी टीम इंडिया और स्पेशली उनका हौसला बढ़ाने के लिए पहुंची है बेंगलुरु। तो दोनों को साथ में देखकर पूरे क्रिकेट जगत की आंखें फटी की फटी रहेगी। तो आखिर गिल के साथ सारा क्यों पहुंच रही एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, कहां इन दोनों को एक साथ किया गया स्पॉट, कैसे कैमरे की नजर से नहीं बच सके गिल और सारा, ये सब कुछ हम आपको अपने इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, ईशान किशन और शुभमन गिल में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है, कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, दिन प्रतिदिन विश्व कप का रोमांच बढ़ता जा रहा है, सभी टीमें एक दूसरे को कांटे की टक्कर दे रही हैं। वहीं टीम इंडिया का अगला मुकाबला 12 नवंबर को नीदरलैंड के खिलाफ बेंगलुरु के मैदान पर खेला जाना है। ये मुकाबला दोनों टीमों के बीच जबरदस्त कांटे का होने वाला है। टीम इंडिया ने अभी तक अपने सभी मुकाबले जीत कर पॉइंट्स टेबल में पहले पायदान पर मौजूद है, साथ ही सेमीफाइनल में जगह पक्की कर चुकी है। वहीं नीदरलैंड की टीम पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे बैठी हुई है। इसने अब तक कुल 8 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से केवल 2 मैच ही जीते हैं। इन दोनों टीमों के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। भारतीय टीम का विश्व कप में हौसला पूरी तरीके से बुलंद है, उनके सभी खिलाड़ी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। बल्लेबाज से लेकर गेंदबाज हर खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन दिखा रहा है। वहीं इस मुकाबले को खेलने के लिए टीम इंडिया बेंगलोर पहुंच चुकी है और ऐसे में एक खबर ये सबसे ज्यादा लाइमलाइट में बनी हुई है कि शुभमन गिल अपनी गर्लफ्रेंड सारा तेंदुलकर के साथ एम चिन्नास्वामी स्टेडियम पहुंचे हैं। सारा तेंदुलकर हमेशा शुभमन गिल को मैच देखने के लिए स्टेडियम में जाती हैं और उनका हौसला बढ़ाती हैं। गिल और सारा को फैंस एक साथ देखना भी पसंद करते हैं। इन दोनों की जोड़ी हमेशा लाइमलाइट में बनी रहती है। गिल और सारा एक साथ बेंगलोर के एयरपोर्ट पर देखे गए थे, वहीं ये दोनों स्टेडियम में भी नजर आए थे, जहां गिल ने प्रैक्टिस करना भी शुरू कर दिया तो वहीं सारा तेंदुलकर मैदान में बैठकर उनका हौसला बढ़ा रही थी। शुभमन गिल का बल्ला विश्व कप में शानदार तरीके से बोल रहा है, वो हर टीम के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन दिखाए हैं। भले ही वो शुरुआत के 2 मैच डेंगू हो जाने के कारण ना खेल सके थे, लेकिन आते ही उन्होंने धमाल मचाना शुरू कर दिया और वो बेहद आक्रामक अंदाज में है। उनका प्रैक्टिस सेशन भी देखकर लग रहा है कि वो नीदरलैंड के खिलाफ गेंदबाजों की जमकर धजिया उड़ाएंगे। शुभमन गिल रोहित शर्मा के साथ मिलकर टीम की ओपनिंग शुरुआत करते हैं। इन दोनों की जोड़ी कमाल की है। अभी तक विश्व कप में इन दोनों की जोड़ी ने हर मैच में जबरदस्त खेल दिखाया है और टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाई है। ऐसे में करोड़ों भारतीय फैंस भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि नीदरलैंड के खिलाफ भी गिल का बल्ला दहाड़े और विश्व कप में इतिहास रचे। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, कौन सा भारतीय बल्लेबाज नीदरलैंड के खिलाफ शतक ठोकेगा? दोस्तों, भारत ने विश्व कप के सभी मुकाबले जीत कर सेमीफाइनल में जगह बना चुकी है। टीम के सभी खिलाड़ी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली और केएल राहुल से लेकर गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और सिराज, कुलदीप यादव, सभी खिलाड़ी अपनी टीम के लिए अहम योगदान दे रहे हैं और टीम इंडिया विश्व कप का खिताब जीतने से कुछ ही कदम दूर है। भारत ने अभी तक एक भी मुकाबला नहीं हारा है। टीम इंडिया का विश्व कप में अंतिम लीग मुकाबला नीदरलैंड के खिलाफ खेला जाना है। ये मुकाबला 12 नवंबर को यानी दीपावली के दिन बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में होने वाला है। ये मुकाबला भी बेहद कांटे का माना जा रहा है, क्योंकि नीदरलैंड भी इस विश्व कप में कई बड़े बड़े जबरदस्त टीमों को धूल चटाई है और जबरदस्त पलटवार किया। इसलिए कप्तान रोहित शर्मा को ये मैच भी बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना होगा। नीदरलैंड के खिलाफ मैच से पहले ICC ने वनडे की रैंकिंग भी अनाउंस कर दी और टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी शुभमन गिल बाबर आजम को पछाड़कर वनडे रैंकिंग के नंबर 1 बल्लेबाज बन गए। ये रैंकिंग देखकर पूरा क्रिकेट जगत हैरान है। विश्व कप में भारत की जीत से ज्यादा शुभमन गिल और सारा तेंदुलकर का रिलेशन चर्चा में बना हुआ है और हो भी क्यों ना, जब सारा तेंदुलकर मैदान में आकर शुभमन गिल का हौसला बढ़ाती है ये देखकर तो पूरा क्रिकेट जगत हैरान रह जाता है। कई दफा विश्व कप का मैच देखना और शुभमन गिल का हौसला बढ़ाने खुद स्टेडियम में आई और उन्होंने आते ही महफिल को लूट लिया, बल्कि गिल के साथ सारा को जोड़ा जाने लगा और फैंस कहां पीछे हटने वाले। मैच खत्म होने के बाद ये दोनों सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगते थे और ये इन दोनों की जोड़ी हर किसी को पसंद भी आती है। ऐसे में अब खबरें निकल कर आ रही हैं कि बहुत जल्द विश्व कप के दौरान ही एक दूसरे के साथ ये शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। इन सभी चीजों को देखते हुए सारा तेंदुलकर के भाई अर्जुन तेंदुलकर ने खुद इन दोनों के रिलेशन और शादी को लेकर बयान दिया। तो चलिए हम आपको बताते हैं अर्जुन ने ऐसा क्या कुछ खुलासा किया जिससे आपकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। अर्जुन तेंदुलकर ने सारा और गिल के रिलेशन पर बयान देते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर जो चीजें ट्रेंड करती हैं इसका मतलब ये नहीं कि सच बात हो। फैंस तो हमेशा कुछ न कुछ खोजते रहते हैं ट्रेंड करने के लिए। ठीक उसी तरीके से गिल और सारा के बीच रिलेशन को लेकर अफवाहें उड़ रही हैं। ये मेरे परिवार और मुझे मालूम है कि सारा और गिल के बीच क्या कनेक्शन है। जैसा कि मैं बता दूं, शुभमन गिल मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, हम दोनों एक साथ खेले कूदे हैं और ठीक उसी तरीके से गिल
और सारा भी एक अच्छे दोस्त हैं। बाकी इन दोनों में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। सारा बांग्लादेश के खिलाफ मैच में टीम इंडिया को सपोर्ट करने के लिए पुणे के स्टेडियम गई थी। इसका मतलब ये नहीं कि फैंस कुछ भी दोनों के बीच खोज कर बातें बनाएं। ऐसा करना काफी गलत है। अगर इन दोनों के बीच कुछ भी ऐसा रिश्ता हुआ तो हम जरूर आप लोगों को बताएंगे और आने पर ये भी पता चल जाएगा। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं। दोस्तों देखा आपने कैसे अर्जुन तेंदुलकर ने सारा और गिल के रिलेशन पर खुलासा कर दिया। दोस्तों दुनिया के नंबर वन बल्लेबाज बनते शुभमन गिल ने अब अपनी लव लाइफ के ऊपर सबसे बड़ा खुलासा किया और खुद बताया कि वो सारा तेंदुलकर के साथ आखिर कब करने जा रहे हैं शादी। जिनके इस बयान ने तो विश्व कप के बीच पूरे क्रिकेट जगत में हाहाकार मचा दिया। तो आखिर क्या ये गुड न्यूज? ऐसा क्या कुछ कहा शुभमन गिल ने अपने बयान में जो देखते देखते सुर्खियों में छा गया? कब शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं क्रिकेट जगत का सबसे मोस्ट अवेटेड कपल? करोड़ों भारतीयों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाला उनका पूरा बयान तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि गिल, ईशान और रोहित में सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों ये विश्व कप तो भारतीय टीम की उपलब्धियों के लिए याद किया जाएगा, जहां एक तरफ टीम इंडिया 8 मैचों में लगातार 8 जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 है, सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बनी है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय खिलाड़ियों ने भी एक से बढ़कर एक मुकाम कमाए हैं। रोहित, कोहली, बुमराह, शमी, हर किसी का जलवा इस टूर्नामेंट में देखा गया। लेकिन अब सबसे बड़ी खुशखबरी या यूं कहें कि जिसकी चांदी हुई है वो है शुभमन गिल। डेंगू से ग्रसित होने वाले गिल ने विश्व कप के कई बड़े मैचेस मिस किए थे, लेकिन सलाम है खिलाड़ी के जज्बे, जोश और जुनून को। उन्होंने न केवल इस जानलेवा बीमारी को हराया बल्कि मैदान में कदम रखते ही गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए पूरी दुनिया में अपना नाम का डंका बजाया है। लंका के खिलाफ 92 रनों की पारी खेलने वाले गिल अब दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बन चुके हैं। इस मुकाम को हासिल करने में उन्होंने हमारी पड़ोसी मुल्क के कप्तान बाबर आजम को पटकते हुए उन्हें दूसरे पोजीशन पर धकेल दिया और खुद वनडे के नंबर 1 बल्लेबाज बन गए, जहां उनकी आईसीसी रैंकिंग में अब 830 पॉइंट है और उन्हें पीछे छोड़ पाना तो अब किसी के भी बस की बात नहीं है। इतना ही नहीं, इस मुकाम को हासिल करते ही उन्होंने खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ा और सबसे कम उम्र में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बनने का गौरव हासिल किया। इससे बड़ा सम्मान एक खिलाड़ी के लिए और क्या हो सकता है? लेकिन इसी बीच जब गिल के लिए खुशियां अपार थी, तब उन्होंने अपनी लव लाइफ को लेकर भी एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। जी हां दोस्तों, ये बात तो किसी से भी छुपी नहीं है कि क्रिकेट जगत के लव बर्ड सारा और गिल के अफेयर की चर्चाएं तो हर किसी की जुबान पर रहती हैं। हालांकि अब तक उनके रिश्ते को लेकर भी कोई भी पुख्ता खबर सामने नहीं आई है, लेकिन अब गिल का बयान सभी सवालों का जवाब देता है। जी हां दोस्तों, गिल ने कहा कि मैं बेहद खुश हूं कि बंदे का नंबर 1 बल्लेबाज बन गया हूं। इससे बड़ी उपलब्धि एक खिलाड़ी के लिए और क्या हो सकती है? लेकिन मेरे लिए यह सब रिकॉर्ड इतनी अधिक मायने नहीं रखते हैं। मैं चाहता हूं भारत को वर्ल्ड कप दिलाऊं, यह मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। हालांकि मुझे यहां तक में जिस ने भी मेरा साथ दिया, जो मेरे साथ खड़े रहे, मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं। उन सबके बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाता। रही बात मेरी लव लाइफ की, जिसके बारे में सब जानना चाहते हैं, तो फिलहाल तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि मैं किसी को डेट कर रहा हूं, हो सकता है कि नहीं भी, लेकिन फिलहाल मैं इस पर भी कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मेरा फोकस इस वक्त पूरी दुनिया में पूरी तरीके से अपने गेम पर है। मैं नहीं चाहता कि मेरे पर्सनल लाइफ की वजह से मेरा गेम खराब हो। वर्ल्ड कप के बाद जरूर हो सकता है कि आप सबको बहुत बड़ी खुशखबरी सुनने को मिले, उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों सच में गिल ने बयान देते देते एक बार फिर सभी को सस्पेंस में छोड़ दिया।